सुजानपुर ग्राउंड की सुरक्षा एवं सुंदरता के लिए प्रदेश सरकार द्वारा लगाई गई करोड़ों रुपए की चार दीवारी को शरारती तत्व नुकसान पहुंचा रहे हैं। मौजूदा समय में नजर दौड़ाई जाए तो ग्राउंड के चौतरफा ग्रिल चोरी होने या टूटने की समस्या सामने आ जाती है। आलम यह है कि शहर की खूबसूरती को कौन बेदाग कर रहा है, कौन इसके कार्य के पीछे लगा है। अब तक ना तो प्रशासन के हाथ में कोई आ पाया है और ना ही पुलिस की पकड़ में। शरारती तत्वों का हौसला लगातार बढ़ता जा रहा है और करोड़ों रुपए की चार दीवारी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। बताते चलें कि सुजानपुर ग्राउंड की सुरक्षा व सुंदरता के लिए पूर्व में रहे कांग्रेस सरकार ने करीब 1 करोड़ रुपए खर्च करके चौतरफा ग्रिल लगाई थी। ये वही ग्रिल है जो प्रदेश के हर जिला में जहां जहां ग्राउंड है या अन्य धरोहरे हैं वहां पर लगाई गई है। हैरानी की बात है कि सुजानपुर में करोड़ों रुपए की लगाई गई चार दीवारी लगातार दम तोड़ती नजर आ रही है। कई स्थानों से ग्रिल उखड़ चुकी है तथा कई जगहों से इसे चोरी कर लिया गया है। सुजानपुर शहर रात्रि 10 बजे से 3 बजे तक ही शांत रहता है। इसके अलावा पूरा दिन जहां पर यह ग्रिल लगी है वहां लोगों के वाहनों की आवाजाही चली रहती है। इसके बावजूद उस स्थान से ग्रिल को तोड़ना, उसे चोरी करके ले जाना हैरानी की बात है। नगर परिषद सुजानपुर के तहत आने वाली यह ग्रिल ग्राउंड की सुरक्षा तमाम चीजें मौजूदा समय में नगर परिषद के गले की फांस बनी हुई है। अब ये मामला मेरे ध्यान में आया है तो मैं एमसी के जो ईओ है उसको अभी ऑर्डर कर रहा हूँ कि वो तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई करें और उसको रीइंस्टॉल करें। इसका मैं देखता हूँ क्योंकि लास्ट जो होली का मेला हुआ था उसमें मैं नहीं था यहाँ पे, अभी मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया है। इसकी मैं छानबीन करता हूँ और इसको जल्दी करवा दिया जाएगा अगर कोई ऐसी समस्या है पेंडिंग से संबंधित, तो मैं पता करूँगा कि वो स्लोगन जो है किसने लगवाए थे, किस एजेंसी के माध्यम से लगाए गए थे। उस एजेंसी को द्वारा से रिक्वेस्ट कर लेंगे, रिक्वेस्ट करने की बात होगी रिक्वेस्ट कर लेंगे, अगर डायरेक्शन देने की बात होगी तो अकॉर्डिंगली डायरेक्शन दे दी जाएंगे।